कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व कांग्रेस विधायक दल की नेता व उनकी पुत्री आराधना मिश्रा मोना के खिलाफ प्रतापगढ़ में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में दर्ज FIR निरस्त कराए जाने की मांग जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन के जरिए सरकार से की गई। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला व महानगर इकाई के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद ने प्रदेश सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। खुर्शीद ने कहा कि प्रतापगढ़ के सांगीपुर में सरकारी कार्यक्रम में पहले भाजपा सांसद व उनके समर्थकों द्वारा उपद्रव किया गया तथा फिर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। उन्होंने इसे सत्ता का दुरुपयोग बतलाते हुए दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। बाद में महामहिम राज्यपाल को संबोधित इस आशय का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा, प्रवक्ता सुधीर पाठक, अनूप दुबे, अजय सारस्वत सोनी, सुरेंद्र सिक्का हैप्पी, अफजल सावरी, सतीश दिवाकर, गौरव त्रिवेदी, मुकेश मिश्रा, अमित पांडे, अनुराग शर्मा, हरीश शर्मा, असद मोलाई, पार्षद जुनेद, शिवराज गुर्जर, राहत खां, गयूर अंसारी, सलीम खां, फैजल सिद्दीकी, गुलवेज सिद्दीकी, परम सिंह सैनी, फिरोज अनवर, इकराम सागर, तुरेहा मोहतशीम मुख्तार, शहजाद रईस, मोहज्जम समेत तमाम नेता मौजूद रहे। मैं दोनों अध्यक्षों के संयुक्त नेतृत्व में यह धरना और प्रदर्शन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जनाब अजय कुमार लल्लू जी का रात ही हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ था और हमने तत्काल सारे लोगों को जमा करके ये धरना और प्रदर्शन किया है। इसका मेन मकसद था के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधानमंडल के पूर्व नेता रहे प्रमोद तिवारी जी 6 वर्षों तक विधायक 6 बार के विधायक रहे और 1 बार के सांसद हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। हमारी आराधना मिश्रा जी जो इस टाइम CLP की लीडर हैं, उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा सुल्तानपुर में कायम किया गया है, उसके खिलाफ प्रतापगढ़ में किया गया है, उसके खिलाफ हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। हम मांग करते हैं कि इस झूठे मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए। वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस जो है सड़कों पर निकलेगी और अन्य धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का जीनत उभरता है। मुकदमा जो लगाया गया वो किस इल्जाम में लगाया गया? गलत इल्जाम लगाया गया, झूठे लगाए गए, मारपीट के इल्जाम लगाए गए जो बिल्कुल कतई गलत है। भाजपा के लोग उलझते हैं और जी बिल्कुल गलत है ना, वीडियो वायरल है जी, आजकल तो वीडियो चीज है, सबसे बड़ी चीज वीडियो है। सबसे बड़ी बात ये जो है वो ये है कि इस एज के हैं, एक तो महिला है, जो अपने आराधना मिश्रा जी हैं वो महिला हैं, इनको महिला को सम्मान तो इनके कहीं हो नहीं रहा। जिस टेबल से बलात्कार और हत्याएं और लूट हो रही है इस टाइम, वो सब खत्म हो गया बिल्कुल। प्रशासन शासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, पंगू बन गया ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ऐसे हालात पैदा हो गए।